नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे गुड गवर्नेंस के रोल मॉडल योगी आदित्यनाथ को कि कैसे उन्होंने 4 साल में वो कर दिखाया जो बरसों में हो ना पाया। आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। धर्म से बड़ी कोई राजनीति नहीं और राजनीति से बड़ा कोई धर्म नहीं, यूं तो ये बात लोहिया ने कही। और लोहिया का नाम जपकर समाजवाद के नाम पर सत्ता चलाने वालों को जब यूपी के जनादेश ने मटियामेट कर दिया, तो पहली बार किसी धार्मिक स्थल का प्रमुख किसी राज्य का सीएम बना। गोरक्षापीठ शिव के अवतार महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर स्थापित मंदिर नाथ संप्रदाय का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। हिंदू धर्म, दर्शन, अध्यात्म और साधना के लिए विभिन्न संप्रदायों और मत मतांतरों में नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। हिंदुओं के आस्था के इस प्रमुख केंद्र यानी गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर महंत आदित्यनाथ सन्यासी हैं, लेकिन सत्ताधीश हैं। कठोर फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके साथ काम करने वाले लोग कहते हैं कि अंदर से उनका दिल बड़ा कोमल है। प्रधानमंत्री मोदी के जितने विरोधी हैं उतने ही शायद इनके भी, लेकिन उससे 2 गुने इनके समर्थक भी हैं। मुख्यमंत्री एक राज्य के हैं, लेकिन पहचान एक राष्ट्र नेता की है। सालों में योगी ने बहुत तेजी से कड़े और बड़े फैसले लिए हैं। रस्म अदायगी समझे जाने वाले घोषणा पत्र यानी बीजेपी के संकल्प सार्थक बनाने के लिए उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लिए। योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल का 4th साल पूरा किया। आज से ठीक 4 बरस पहले देश के सबसे बड़े सूबे की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली थी, लेकिन ठीक 1 साल बाद जनता के सामने यूपी सरकार अपने काम को लेकर जाएगी। जनता के फैसले में भले ही 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन योगी सरकार ने अपनी रिपोर्ट जनता तक पहुंचानी शुरू कर दी है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचोर गाँव में हुआ। योगी आदित्यनाथ तब अजय सिंह बिष्ट के नाम से जाने जाते थे। बचपन से ही बहुत कुशाग्र और कर्मठ स्वभाव के थे। बचपन में ही उनका मन अध्यात्म की ओर भी झुकने लगा था। योगी आदित्यनाथ ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी किया है। साल 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान अजय सिंह बिष्ट संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम योगी आदित्यनाथ पड़ा। गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए गोरखपुर आए और तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ के संपर्क में आए। साल 1994 में दीक्षा के बाद वो योगी आदित्यनाथ बन गए थे। योगी हिंदू युवा वाहिनी संगठन के संस्थापक भी हैं। 1998 से लेकर मार्च 2017 तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे और हर बार उनकी जीत का आंकड़ा बढ़ता ही गया। फिर आता है साल 2017 का वो दौर जब यूपी में नरेंद्र मोदी के नाम पर सवार बीजेपी की पतवार ने पूरे दमखम से जीत सुनिश्चित की और 312 सीटें जीती। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद गाजीपुर से सांसद रहे मनोज सिन्हा का नाम अचानक से सुर्खियों में आ गया और उनकी बायोग्राफी भी मीडिया में तैयार होने लगी, साथ ही समीकरण भी पेश किए जाने लगे। मनोज सिन्हा दिल्ली से काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे और वहीं चार्टर्ड प्लेन का इंतजार करने लगे। दिल्ली में मौजूद केशव मौर्य के चेहरे की मुस्कान इस वक्त और खिलखिला उठी जब लखनऊ के एयरपोर्ट पर नारे लगे, पूरा यूपी डोला था, केशव केशव बोला था। लेकिन तमाम तैरते नामों के बीच योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को यूपी की बागडोर संभाली। योगी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर उतरे। उत्तम प्रदेश यानी ऐसा प्रदेश जहां कानून व्यवस्था टाइट हो, महिलाओं और लड़कियों के साथ सड़कें सुरक्षित हों, रोजगार हो। CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों पर एक्शन। नागरिकता संशोधन कानून की आड़ में उत्तर प्रदेश को उपद्रव की आग में झोंकने वालों और दंगा आगजनी की साजिश को पर्दे के पीछे से अंजाम देने वाली देश विरोधी ताकतों के खिलाफ प्रदेश के कप्तान योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोल दिया। यूपी के सत्ता पर काबिज योगी सरकार एक तरफ जहां अमन चैन से रहने का पाठ पढ़ाती रही, वहीं शांति भंग करने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में भी नजर आई। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हिंसा के अगले दिन ही ये साफ कर दिया था कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही 21 दिसंबर को ही 4 सदस्य कमेटी बना दी जो पूरे उत्तर प्रदेश में तबाही और नुकसान का जायजा लेकर हर जाने के तौर पर हर दोषी से पैसे वसूलेगी। यूपी के शहर दर शहर ऐसे पोस्टर चिपकाए गए। योगी के इस आदेश का खौफ इतना दिखा कि बुलंदशहर जिला प्रशासन द्वारा हिंसा में 6,27,000 रुपए की सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान के आकलन के बाद सदर ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनिस समेत कई नेताओं ने चंदा एकत्र कर भरपाई कर दी। अपराधियों पर फुल एक्शन। योगी सरकार में आम लोगों के अच्छे दिन आए हों या नहीं, लेकिन यूपी के अपराधियों और उपद्रवियों के बुरे दिन जरूर शुरू हो गए हैं। कभी अस्पताल तो कभी सचिवालय, कभी नगर निगम तो कभी थाने,
हर जगह योगी आदित्यनाथ सख्ती से नियमों का पालन करवाने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि अब यूपी में अपराधियों की कोई जगह नहीं होगी। कट्टेबाजी और बमबाजी के लिए उत्तर प्रदेश एक अरसे से बदनाम रहा है। सरकार किसी की भी रही हो, तूती बंदूकबाजों की ही बोलती थी। लेकिन वक्त बदला और बदलते वक्त में यूपी में अपराधी कंफ्यूज्ड हो गए कि करें तो क्या करें। यूपी ने एक ऐसा दौर भी देखा कि एनकाउंटर का खौफ उनके सिर पर गिद्ध बनकर नाचने लगा। जो जेल में थे वो जेल से बाहर आना नहीं चाहते और जो बाहर हैं वो घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। जो फरार थे वो जेल जाने को बेकरार हो गए। यूपी पुलिस नहीं तो किसी तरह आसपास की पुलिस से सेटिंग कर किसी तरह जेल भिजवा देने की जुगत में लग गए, नहीं तो बाहर गोली ना खानी पड़ जाए। 15,000 के एक इनामी बदमाश ने तो हापुड़ के थाने में जाकर खुद ही सरेंडर तक कर दिया था। 20 मार्च 2017 से 15 मार्च 2021 यानी पूरे 4 साल तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन 4 वर्षों में पुलिस और बदमाशों के बीच 7,500 से ज्यादा मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 लाख के इनामी विकास दुबे से लेकर 5,000 के इनामी शामली के शातिर लुटेरे इकराम उर्फ टोला तक को मुठभेड़ में मार गिराया गया। कुल 135 अपराधी मारे गए, जिनमें 111 इनामी बदमाश थे और 24 गैर इनामी बदमाश थे। एक नजर उत्तर प्रदेश में हुए अपराधों पर भी डालते हैं। साल 2017 में हुए अपराध: हत्या 4,324, अपहरण 19,921, बलात्कार 4,246, बलात्कार का प्रयास 601, बलवा 8,990, लूट 4,089, डकैती 263, गंभीर वारदातें 64,450। 2020 में हुए अपराध: हत्या 3,468, बलात्कार 2,317, बलवा 5,376, लूट 1,384, डकैती 85, कुल दर्ज FIR 3,52,651। माफियाओं को योगी का मैसेज साफ, नहीं चलेगी गुंडागर्दी। माफियाओं पर योगी सरकार का स्ट्राइक लगातार जारी है। मुख्तार से लेकर अतीक तक सब टारगेट पर हैं। योगी ने कैसे यूपी के भू माफियाओं से 67,000 हेक्टेयर जमीन खाली करवा ली गई। यूपी में ना उन अपराधियों की खैर है जो बल और बंदूक के दम पर कभी दहशत का खेल खेलते थे, ना उन भू माफियाओं का जिन्होंने गरीबों और किसानों की जमीनें हड़प ली। यूपी के हर माफिया पर योगी का हंटर नॉनस्टॉप चल रहा है। माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का ये एक्शन साल 2017 से जारी है। अब तक 67,000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन इन माफियाओं से खाली करवाई जा चुकी है। इन जमीनों पर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे कई गैंगस्टर का कब्जा था। योगी सरकार इन जमीनों पर मिनी स्टेडियम, पंचायत घर और टॉयलेट बनवा रही है। अब तक कुल 1,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। इसके साथ ही आजम खान, जिसके बारे में कभी कहा जाता था कि आजम खान ही रामपुर है और रामपुर ही आजम खान, पिछले 4 साल में उन पर 100 मुकदमे दर्ज हुए। आजम खान सहित उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल जाना पड़ा। आजम के जौहर विश्वविद्यालय की बाउंड्री तोड़े जाने से लेकर जमीन तक की लीज को खत्म कर दिया गया। कांवड़ियों पर फूल बरसाया। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से ही सूबे भर में कांवड़ियों पर सरकार मेहरबान नजर आई, तो दूसरी तरफ सावन के महीने में कांवड़ियों के रूट पर मांस की बिक्री पर रोक लगाने का काम किया। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का काम योगी सरकार के राज में हुआ है। यूपी में बनेंगे सबसे ज्यादा एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश बनने जा रहा है। लखनऊ और वाराणसी के बाद कुशीनगर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय का लाइसेंस मिल गया है। अयोध्या व जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। वर्तमान में 10 एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने में कामयाब। डिफेंस कॉरिडोर की वजह से उत्तर प्रदेश ने देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले देश विदेश में अलग पहचान बना ली है। केवल देश ही नहीं, दुनिया भर से लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया शो 2021 में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए राज्य सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए का निवेश अपनी ओर आकर्षित किया। यूपी में 57,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ कई घरेलू और विदेशी MNCS कंपनियां अभी लाइनअप हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने 20,000 करोड़ के निवेश को राज्य की ओर आकर्षित करने के लिए डेटा सेंटर पॉलिसी को लॉन्च किया। योगी सरकार ने 2018 में यूपी इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। इस आयोजन के जरिए उत्तर प्रदेश में 4.28 लाख करोड़ के निवेश को योगी सरकार लाने में कामयाब हुई। कोरोना से लड़ने में सक्रियता को टाइम और WHO ने सराहा।
टाइम मैगजीन ने कोरोना संकट के दौरान योगी सरकार की सक्रियता की सराहना की है। दरअसल टाइम मैगजीन में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, इसमें कोरोना संकट में उठाए गए कदमों, कोरोना से होने वाली मौतों पर नियंत्रण और बेहतर रिकवरी रेट 94% से ऊपर रहने जैसे तमाम केंद्र बिंदुओं के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ की सक्रियता को सराहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए योगी सरकार द्वारा अपनाई गई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तकनीक की सराहना की थी। WHO ने UP में की गई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को कारगर बताते हुए दूसरे देशों को भी इसे अपनाने की नसीहत भी दे डाली थी। लव जिहाद और गौ हत्या विरोधी कानून। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद के विरुद्ध अध्यादेश लेकर आई है। अध्यादेश में योगी सरकार ने लव जिहाद जैसा घिनौना कृत्य करने वालों पर सख्त रुख अख्तियार किया है। अध्यादेश के अनुसार धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही अध्यादेश में इस बात पर भी बल दिया गया है कि यदि धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो इसकी सूचना जिले के जिलाधिकारी को 2 महीने पहले देनी होगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गौवध निवारण कानून बनाया, जिसके तहत गौ हत्या पर 3 से 10 साल की सजा और गौवंश को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने पर 2.5 साल की सजा का प्रावधान है। यूपी में तमाम अवैध स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए। इसके साथ ही प्रदेश में टीचर और पुलिस में भारी पैमाने पर भर्तियां हुई। दिमागी बुखार पर नियंत्रण, 95% तक मौत की दर कम हुई। 30 नए मेडिकल कॉलेज बनाए। 26 पॉलिटेक्निक, 79 ITI और 248 इंटर कॉलेज बनाए। 3 नए विश्वविद्यालय, 51 राजकीय महाविद्यालय और 28 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। 135,000 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया गया। कुल मिलाकर कहें तो जब जीवन में अपने लिए पाने का भाव खत्म हो जाता है, दूसरों के लिए काम करने का भाव जन्म लेता है, तब एक इंसान बनता है योगी। योगी लगे हैं लगातार उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 trillion तक पहुंचाकर एक बड़ी भूमिका के निर्वहन के पथ पर। आज के लिए इतना ही, अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।